दोस्तों, जब बात की जाती है नायरा और कार्तिक की, तो बिना कोई देरी के जहन में सबसे पहला नाम आता है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का, जिसकी कहानी पिछले 12 सालों से लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब दिल जीतती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से ये सीरियल एक नए अंदाज और एक नए कैरेक्टर के साथ पर्दे पर दिखाई देने वाला है। जी हाँ, इस सीरियल में आरोही का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री करिश्मा सावंत अभी पर्दे पर नजर भी नहीं आई हैं कि इन्होंने प्रोमो से ही दर्शकों द्वारा तारीफें बटोरनी शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरोही का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री राखी सावंत से पहले भी टीवी इंडस्ट्री की 4 अभिनेत्रियां हो चुकी हैं इस रोल से रिजेक्ट, जिसके पीछे की वजह अलग अलग है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं उन्हीं 4 अभिनेत्रियों से जो करिश्मा सावंत से पहले रिजेक्ट हो चुकी हैं। नंबर 1, महिमा मकवाना। सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल में रचना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री महिमा मकवाना भी करिश्मा सावंत से पहले रिजेक्ट हो चुकी हैं। जी हाँ, सबसे पहले इन्हें ही आरोही का किरदार ऑफर किया गया था, पर ये इस किरदार को अच्छे से निभा नहीं पाई, जिस वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। जिन्हें रिजेक्ट करने के बाद शोमेकर्स को टीवी इंडस्ट्री की कई दूसरी अभिनेत्रियों का स्क्रीन टेस्ट लेना पड़ा था। नंबर 2, निधि भानुशाली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी शो में आत्माराम भिड़े की बेटी सोनालिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री निधि भानुशाली भी करिश्मा सावंत से पहले आरोही के किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस शो के डायरेक्टर ने इन्हें भी इस किरदार के लिए चुना था, पर इन्होंने इस रोल को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस शो के डायरेक्टर से हाई फीस की डिमांड कर रही थी। मगर अफसोस, इस शो के डायरेक्टर ने इनकी मनचाही डिमांड को पूरा नहीं किया, जिसके चलते इन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। नंबर 3, अवनीत कौर। अलादीन तो नाम सुना ही होगा, सीरियल में यास्मीन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अवनीत कौर भी करिश्मा सावंत से पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी। जी हाँ, इन्हें भी इस शो के डायरेक्टर ने आरोही का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया था, पर इन्होंने इस रोल को निभाने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि ये अब टीवी सीरियल में नहीं बल्कि फिल्म और मॉडलिंग में काम करना चाहती हैं, जिस वजह से इन्होंने इस रोल को निभाने से मना कर दिया था। नंबर 4, जन्नत जुबैर रहमानी। फुलवा सीरियल में छोटी फुलवा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जन्नत जुबैर रहमानी अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं और इन्हें भी आरोही के किरदार के लिए ऑफर दिया गया था और ये किरदार को निभाने के लिए राजी भी हो गई थी। पर जब इन्होंने इस सीरियल की स्क्रिप्ट सुनी तो इन्हें बहुत ही ज्यादा बोरिंग और इरिटेटिंग लगी, जिस वजह से इन्हें रिजेक्ट नहीं किया गया था बल्कि इन्होंने खुद ही इस रोल को निभाने से ही मना कर दिया था। तो दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि आरोही का किरदार अभिनेत्री करिश्मा सावंत निभाएं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और नई मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।